चलो तो बोर्ड पे आता हूँ 10 पॉइंट और सीधे क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ किस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए चलो ठीक है, तो 2023 16 फरवरी का पेपर, बारी वालों जल्दी से पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, सही है? मेरे साथ साथ नोटबुक लेते रहो, नोट करते रहो जल्दी जल्दी, और इन्हीं को तैयार करके लेके जाओ, बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख के आओ, टॉप मार दोगे। ललू लाल की रचना, चार ऑप्शन आएंगे, इनमें से ललू लाल की रचना कौन सी है? ठीक है, तो ललू लाल की रचना बता देना। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का क्या है? तो पहले का क्या है, ये आएंगे आपके 1 2 3 4 5 पांच क्वेश्चन आएंगे, इनमें एमसीक्यू आएंगे, चार विकल्प दिए हुए हैं पेपर में मैं देख पा रहा हूँ, चार विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में से एक आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे का क्या है, ये भी विकल्प वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन विकल्प वाला एमसीक्यू वाला, कैसे? कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन आ सकता है, मान लो द्वैदी युग आ गया, अरे मैं देख के बता दे रहा हूँ ना, द्वैदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। इस तरह से चार ऑप्शन दे दिए उसने, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मेरे प्यारे, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देख के चार में से एक करना है कि कामायनी किस युग की रचना है। अगला सवाल, खैर निम्न कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ये चार ऑप्शन है, अग्रसाद, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर, इन चारों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अगला सवाल, तार सप्तक का प्रकाश वर्ष कितना है? प्रकाशन वर्ष क्या है? ये कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब चार ऑप्शन आएंगे उनमें से बताना कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, प्रकाश होने वाला, ये कब प्रकाश हुआ, वो वर्ष कौन सा है, वो वर्ष बताना है। ठीक है, द्वैदी युग की रचना नहीं है, इन चारों में से द्वैदी युग की रचना कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती एंड कामायनी, ये चार ऑप्शन दिए हुए मेरे प्यारे। और उसके बाद आता है अड़े क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन का जो शुरुआत में आता है, निम्न में से कौन महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, मामा, इनमें से चारों में से कौन महाकाव्य नहीं है? समझ में आ गया बेटा? तो ये थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जो शुरू में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद पेपर में दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन है बेटा, गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये गद्यांश दे रखा है इन्होंने, धरती माता की कोक में जो अमूल्य नदियां भरी हैं, इस तरह से दे रखा है, धरती माता की कोक में जो अमूल्य नदियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इस तरह से दे रखा है, मॉडल पेपर में देख लेना है कहां से है, और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। इनमें कुछ क्वेश्चन देगा, ये पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, इनमें कुछ पांच क्वेश्चन दिए हुए, गद्यांश का संदर्भ बताओ, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लो पेपर में ये रेखांकित अंश कर दिया, मान लो उसमें इसमें से कुछ लाइन आएंगे उनके रेखांकित अंश कर देगा, उनकी व्याख्या करनी है बेटा, व्याख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, और अगला क्वेश्चन है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? क्या बोला? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हेडिंग डाल के जरूर लिख के आना मेरे पास, दो हेडिंग कम से कम देना इनमें। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आ रहा है आपके, अगला आ रहा है अथवा का दूसरा पैराग्राफ, मतलब इनमें से एक करो। तो एक और गद्यांश आपके सामने, अशोक का फूल उसी मस्ती से हंस रहा है, इस तरह से एक पैराग्राफ दिया हुआ है मेरे प्यारे पेपर में जो मैं देख पा रहा हूं। और यहां पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें संदर्भ लिखो पहला क्वेश्चन, दूसरा रेखांकित अंश, मान लो रेखांकित अंश बोल दिया, इसकी व्याख्या करो बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, आपके सामने है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, एक तीसरा क्वेश्चन यह है, चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे गद्यांश का भाव स्पष्ट करो, पांचवा क्वेश्चन गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताओ, पांच क्वेश्चन दे रखा है। तो इन दोनों गद्यांश में से एक गद्यांश जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, मॉडल पेपर देख लो, छपछा मिलने वाला मेरे प्यारे, जल्दी से शेयर करो, जिन्हें जरूरत है जल्दी शेयर करो, लाइक करो अगर पसंद आ रहा है तो, जल्दी से शेयर करो, 16 फरवरी वालों का भला हो जाएगा मेरे प्यारे, जिन्हें जरूरत है तुरंत शेयर करो मेरे प्यारे, विश्वास के साथ। जल्दी आओ अगला क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा पद्यांश का, किसका? पद्यांश का। तो पद्यांश के भी दो क्वेश्चन आएंगे, दो पैराग्राफ, दो पद्यांश आएंगे। तो पहला पद्यांश दे रखा है इसमें लज्जाशीलता वाला, क्या? लज्जाशीलता पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, इस तरह का पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश है बेटा ये, क्या है? पद्यांश बेटा। तो इस पद्यांश का संदर्भ बताना है, पहला क्वेश्चन तो ये, इसमें रेखांकित अंश, मान लो लज्जाशीलता वाला ये लाइन रेखांकित अंश का रखी है, ये थोड़ा टुकड़ा जो रेखांकित, इसकी व्याख्या करनी है बेटा, तो संदर्भ करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, लज्जाशील पथिक महिला के बारे में, ठीक है बेटा, ओके। चौथा क्वेश्चन, होठों की ओ कमल मुख में अलंकार क्या है, जब वो पढ़ोगे ना पूरा पैराग्राफ तो उसमें एक लाइन आएगी, होठों की ओ कमल मुख, तो इसमें अलंकार बताना है, ध्यान से उस पैराग्राफ को देख लियो, ध्यान से उस पद्यांश को देख लियो बेटा, अलंकार बताना, बारी वालों छपा छपा मिला, शेयर करो जिन्हें जरूरत है बेटा, ऑन द स्पॉट। और लास्ट क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें, लास्ट क्वेश्चन, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए, क्या बोला? जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए, बहुत बढ़िया। तो ये है पद्यांश का एक पैराग्राफ के पांच क्वेश्चन, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो अथवा में दूसरा पैराग्राफ आता है, दूसरा पद्यांश आता है, उसके क्वेश्चन कर सकते हो, तो चलो उस पे चलते हैं हम पद्यांश पे, ठीक है आ जाओ। तो ठीक है बच्चों, अथवा वाला पोर्शन देखो, अथवा में दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है,
ये आ रहा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, ये वाला आ रहा है मेरे प्यारे। तो ये पद ध्यान से आपके पास अथवा में देख लेना, अपने उसमें मॉडल में देख लेना मेरे प्यारे। इसका क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ संदर्भ लिखो, इसमें रेखांकित अंश दे देगा, उसकी व्याख्या करो। और एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर की अनुताप न करके पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे। इसमें कुछ पंक्तियां होंगी, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप देख लेना मॉडल में से पूरा पद्यांश, उनमें ये पंक्ति है तो इसमें अलंकार क्या है। ऐसे पद्यांश का भाव स्पष्ट करो, भाषा की विशेषता बताओ, भाषा की विशेषता, ठीक है, कि इनमें जो भाषा यूज हुई है उसकी क्या विशेषता है, और ये जो पद्यांश है इसका भाव क्या है। इससे पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे नोट करते रहो। साहित्यिक परिचय देना, देखो 10th वालों को तो जीवन परिचय देना था, और यहाँ पे साहित्यिक परिचय, चैनल पे मैंने वैसे डाल दिया कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तो 12th वाले साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, ज्ञानशाला पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में या अलग से वीडियो में डाली हुई है तो उसको ध्यान से देख लेना। छपे छपा 100% बढ़ गए, इतना टॉप का बना हुआ, बहुत अच्छा साहित्यिक परिचय देना है रचनाओं के साथ में गद्य का, ठीक है। कौन सी रचना इसने दी हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तीन है मेरे प्यारे। और इसी प्रकार से कवि का साहित्यिक परिचय, ठीक है, कवि का साहित्यिक परिचय रचनाओं के साथ, कृतियों रचना एक ही बात है, तो कवि के लिए कृतियां आती हैं। कौन कौन से कवि आ रहे हैं आपके साहित्यिक परिचय, बड़ा मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से एक करना है, इनमें से एक करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से बहादुर और पंचलाइट में से एक करो, या तो बहादुर पंचलाइट में से कहानी में से एक कर ले, या ध्रुव यात्रा की कहानी लिख दे, ध्रुव यात्रा की कहानी कथा वस्तु, या बहादुर पंचलाइट में से एक, इनमें से एक करना मेरे प्यारे, इनमें से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जा, रश्मि रथी आएगा आपके पास, रश्मि रथी का क्वेश्चन आ रहा है, खंड काव्य के आधार पर, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, या तो इसे कर लो, या अथवा में क्या है, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र, अरे ये तो दो बार, एक मिनट, रश्मि रथी कर्ण का चरित्र चित्रण, बिल्कुल सही है, सही है, के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण आ रहा है मेरे प्यारे, कर्ण का ही आ रहा है बेटा, कर्ण का ही आ रहा है बेटा, बेटा कर्ण का ही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया, कर्ण का चरित्र चित्रण आ रहा है बेटा, रश्मि रथी का कर्ण का चरित्र चित्रण आ रहा है बेटा। उसके बाद मेरे प्यारे आ जाओ सेक्शन बी पे, किस पे आ जाओ, सेक्शन बी पे, जिसे हम खंड बे बोलते हैं, खंड बे या खंड खे भी कह सकते हैं इसको, खे खंड खे बे बोल दिया, खै वो क्या था, वो ए था, वो क्या था, ये खै, मतलब सेक्शन बी है, कुल मिला के बात है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है संस्कृत, संस्कृत का ध्यान दे रखा है, एक मैं बता देता हूँ, महान महामना विद्वान वक्ता धर्मिको नेता, ये वाला अथवा एक और दे रखा है मेरे प्यारे, अथवा एक और दे रखा है अथवा में हंसराज, ये रहा हंसराज, तदेव परिषद मध्य आत्मन है भागिन पापम, मॉडल में मिल जाएगा आपको, इनका हिंदी अनुवाद करना है, इनका हिंदी अनुवाद संदर्भ के साथ में, बहुत बढ़िया। तो 8वें क्वेश्चन का संदर्भ के साथ में हिंदी अनुवाद, संदर्भ के साथ में हिंदी अनुवाद करना है मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया। 8वें क्वेश्चन का इन दोनों में से एक करना है अनुवाद बेटा, मॉडल में देख लियो, ऐसे ही खे आ रहा है बेटा, ये एक छोटा सा पद्यांश दे दिया इसका, और इनके भी दो हैं, दो ऑप्शन, नमे रोचते भद्र व उल्लू वाला दे दिया बेटा, इसमें इसका हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ के साथ में, और बेटा अथवा वाला क्या दे दिया, अथवा वाला दे दिया परोक्षे कार्य हंतारम, ये जो दिया है बेटा इसका भी हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ के साथ में, ओके, संदर्भ के साथ में प्रसंग भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसकी वीडियो भी चैनल पर डाली हुई है कि किस तरह से संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं, तो उसको आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया, पूरे नंबर आ जाएंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया बेटा मुहावरे कि किसी एक का अर्थ लिखकर समझाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए, तो ये चार है आपके सामने, तलवार की धार पर चलना, तकासा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, ये चार में से आपको एक करना है, एक का अर्थ लिखना है और वाक्य भी लिखना है, वाक्य प्रयोग के साथ अर्थ लिखना है, दो काम करने हैं, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन आता है तथापि का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद आएगा तथापि का, तीन संधि विच्छेद आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ तथापि का आ रहा है, चार ऑप्शन देगा तथापि का संधि विच्छेद, अगला देख पा रहा हूँ परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमेश्वर विसर्ग वाला परमेश्वर, और अगला देख पा रहा हूँ मैं गायक का संधि विच्छेद, गायक, तो तथापि का, परमेश्वर का और गायक का संधि विच्छेद आ रहा है मेरे पहले, ओके संधि विच्छेद। और 10वां क्वेश्चन विभक्ति वचन कौन कौन से, किसके आ रहे विभक्ति वचन, एक तो बोल रहा है आत्मन है, क्या आत्मन है, थोड़ा जूम करके बच्चों दिखाओ, आत्मन है, विसर्ग लग रहा है, विसर्ग आत्मन है, इसकी विभक्ति और वचन बताना है, विभक्ति वचन, और नाम नान इसकी भी विभक्ति वचन बताना है, तो दो आ रहे विभक्ति वचन के, एक तो आत्मन है और एक नाम नान, मेरे बोल के भी सुनो आत्मन है। अब इससे अगले भी क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन टोटल पेपर में, तो 10 क्वेश्चन हो चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन, तो ठीक है 11वां क्वेश्चन निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, शब्द युग्म कैसे, जैसे बसंत व्यसन एक जैसे लगेंगे दोनों, इनका अर्थ क्या है, चार ऑप्शन देगा, विवस व्याकुल कवच भोजन वस्त्र आदत विस्तार अवधि, चारों में से एक आंसर है आपके पास, ऐसे ही एक और आएगा विस्तार और अवधि, इनके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन नहीं विस्तार अवधि तो ऐसे, सॉरी वस्त्र व्यसन हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बेटा अंबुज अंबुद, मैं देख पा रहा हूं पेपर में
बिल्कुल सही बोला मैंने, अंबुज अंबुद। एक तो आता है वसन व्यसन, एक जैसे लग रहे हैं ना, इनके चार ऑप्शन इनमें से एक आंसर है। ऐसे अंबुज अंबुद तो इसका मतलब क्या है, मतलब है बादल समुद्र जल कमल, कमल बादल समुद्र कमल, ये चार ऑप्शन। इसी तरह से पहला क्वेश्चन आएगा ग्यारहवें का, खैर निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखो, चार में से दो शब्द एक शब्द लेना है, एक शब्द लेना है, एक शब्द चार में से एक शब्द लेना और उसके दो अर्थ लेने हैं। क्या करना है उसके दो अर्थ लेने हैं, जैसे अंबर ले लो या विधि ले लो या पट ले लो या नाग ले लो, ये चार है आपके पास में, एक शब्द लो दो अर्थ लिखो। गए क्वेश्चन ग्यारह का, क्या निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। बहुत बढ़िया, मतलब ये कई सारे शब्द अनेक शब्द होते हैं, उनका एक शब्द लिखना है, समझ गए, एक शब्द लिखना है इनके ऊपर, एक शब्द का चयन करके लिखिए। बहुत बढ़िया, जैसे कि यहां पर लिख रहा है जो आंखों के सामने हो, इस तरह से तो एक शब्द लिख के आंसर लिख रहा है, एक शब्द में। वैसे ऑप्शन आएगा पेपर में, वैसे ऑप्शन आएगा पेपर में कि दो जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत बढ़िया। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ग्यारहवें का है, इसमें क्या है किन्हीं दो वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखो, किन्हीं दो वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखो। तो इस तरह से चार वाक्य आएंगे, चार वाक्यांश आएंगे और वो अशुद्ध होंगे, उनको शुद्ध करके लिखना है। अब बस दो करने चार में से, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे, इसको सही कर लिखना है। या फिर इसे करो इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। या फिर ये कर लो सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कवित्री पे गौर करें, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो चार अशुद्ध है, इनको शुद्ध करके लिखना है। बारहवां क्वेश्चन, वीर रस या हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, उदाहरण से समझाइए, परिभाषा दीजिए। बहुत बढ़िया, या तो वीर रस कर दे अथवा हास्य रस को स्थायी भाव देके उदाहरण सहित परिभाषा के साथ समझाना है। बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों में से करना है, या तो श्लेष अलंकार करो या उत्प्रेक्षा अलंकार करो, बेटा लक्षण के साथ करो, उदाहरण उदाहरण के साथ करो, लक्षण देना उदाहरण देना। गया क्वेश्चन दोहा अथवा छोटा छंद में से एक करो, मात्रा सहित, मात्रा भी दिखानी है, लक्षण दिखाना है और उदाहरण दिखाना है, दोहा छोटा में से एक। तेरहवां क्वेश्चन आता है आपके लेटर का, एप्लीकेशन लेटर लिखो ना, वही पत्र, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, आवेदन पत्र आ रहा है बेटा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र में से एक करना बेटा। लास्ट क्वेश्चन निबंध, देश की बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये आपके पेपर में, ये आपके पेपर में, बच्चों शेयर करो, बच्चों शेयर करो, जिन्हें जरूरत है शेयर करो।